हाय एवरीवन, अभी देखते हैं पीडीएस क्यूआर ऐप को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग कोई लैपटॉप या कुछ सामान का टिकट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पीडीएस क्यूआर ऐप पहले वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा और उसके बाद इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक आपको सबमिट टिकट मिलेगा, ये नया सामान क्रिएट करने के लिए टिकट, और दूसरा है एग्जिस्टिंग जो आपके पास है उसकी स्टेटस देखने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग सबमिट टिकट करते हैं। इस पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा जैसे आईटी कंप्यूटर सपोर्ट है, आईटी ऑब्लिक कंप्यूटर सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जितना सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कुछ भी है, तो आप इसमें एंट्री करेंगे। अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इसका टिकट इसमें आप एंटर करेंगे। अगर कुछ एलईडी वाल्व है, 9 वाट का हो सकता है या 12 वाट का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उस केस में आप ये एलईडी सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर होम अप्लायंस का इशू है, यह अभी पूरा त्रिपुरा में स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ कुछ लोकेशन के लिए है, जैसे कि मान लीजिए आपका सीलिंग फैन ख़राब हो गया है, होम का इलेक्ट्रिसिटी का कुछ दिक्कत हो गया है, तो इस केसेस में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का स्टाफ है आपके लोकेशन पे चला जाएगा और ये उस कंडीशन पे जो सामान आपका है उसको वो रिपेयर करके दे देगा। तो ये फ़िलहाल अभी जो होम अप्लायंस का है, ये अभी पूरा त्रिपुरा में अवेलेबल नहीं है, और एलईडी वाल्व का जो है ये आपको लेके आना पड़ेगा या फिर पिकअप भी हो जाएगा। नेटवर्किंग सपोर्ट पे आपको टिकट क्रिएट करने पे हम लोगों का जो इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर, वो आप लोकेशन पे चला जाएगा। ये भी पूरा त्रिपुरा में अभी नहीं है, धर्मनगर पे है, कुमारघाट पे है, कैलाश शहर पे है। और आईटी कंप्यूटर सपोर्ट जो है, इसमें लैपटॉप का पिकअप पूरा त्रिपुरा में हो रहा है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड का पिकअप पूरा त्रिपुरा में हो रहा है। तो लगभग इसमें जो पिकअप है पूरा त्रिपुरा में हो रहा है। अगर कुछ इससे अलावा कुछ भी सामान है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो आपको लेके आना पड़ेगा। तो चलिए एक लैपटॉप का कैसे हम लोग पिकअप को क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आईटी कंप्यूटर सपोर्ट में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नाम यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको कुछ जो आपका जेन्युइन ईमेल आईडी है जिससे आप उसको फॉलोअप करेंगे वो डाल देना है आपका। इससे क्या होगा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन से आप आगे जाके क्या स्टेटस है आपका कॉल का, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। और प्रायोरिटी में लो या मीडियम लेने से आपका जो वर्क प्रायोरिटी रहता है वो लो या मीडियम रहेगा, अगर हाई लेंगे तो वो अर्जेंट बेसिस में उस चीज़ को देखा जाएगा, परंतु उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आएगा, जो नॉर्मल चार्ज है उससे ज़्यादा चार्जेस आएगा। तो हम लोग मीडियम ले लेते हैं। ऑफिस नेम आपका, अगर ऑफिस है तो ऑफिस का नाम डाल दीजिए, और अगर आपका ये होम है तो होम कुछ नेम है तो डाल दीजिए, या फिर होम डाल दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोगों का होम है, ओके। एड्रेस डाल देते हैं हम लोगों का, तो एड्रेस भी डाल दिया, अभी नंबर डालना है, फ़ोन नंबर। जिस नंबर पे आपका व्हाट्सएप है वही नंबर आपको डालना है, ताकि जो डायग्नोसिस रिपोर्ट होगा आखिर में, ये रिपोर्ट या कुछ भी नोटिफिकेशन जैसे टिकट नंबर वगैरह है वो आपकी इस नंबर पे चला जाएगा, यानी व्हाट्सएप जिस नंबर पे है वो आप डालिए। नेक्स्ट आप यहाँ से आपका प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका है वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। अगर ये लिस्ट में नहीं है तो आधार को सिलेक्ट कीजिए, जिसे हम लोग यहाँ से अभी सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप को, ओके। मैन्युफैक्चरर क्या है, मेरा वाला जो है ये HP है। मॉडल कौन सा है, तो ये मॉडल हम लोगों को देख लेना है, ये जैसे DB6 है, और सीरियल नंबर, अभी ये सीरियल नंबर कभी कभी क्या होता है, कुछ लैपटॉप के पीछे एकदम लिखा रहता है, और किसी किसी लैपटॉप में हो सकता है बैटरी के नीचे हो,
तो आपको ये देख के आपको एक बार बाहर ये सीरियल नंबर कहाँ पे रहता है वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं आपके मॉडल नंबर डाल के। तो यहाँ पे हम लोग एक सीरियल नंबर डाल देते हैं जो हम लोग का है 2। मान लीजिए यह हम लोगों का सीरियल नंबर है। अभी प्रॉब्लम में डालना है, अगर आपका कुछ मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जैसे कि कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है तो वो पूरा डिटेल्स डालिए। अगर इस केस में क्या है, मेरा नो पावर है यानी डेड कंडीशन पे है तो मैंने अभी नो पावर डाल दिया है। वो या फिर आप पूरा डिटेल्स दे सकते हैं कि डेड कंडीशन है, ये चीज़ मैंने चेक किया है, बैटरी बाहर निकाल के उसको फिर से डाला है, सॉल्व नहीं हुआ है अभी। आप पूरा डिटेल्स दे के यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एसेसरीज जो है, क्या क्या एसेसरीज आप उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि रैम आ रहा है, मदरबोर्ड आ रहा है, सीपीयू आ रहा है, हार्ड डिस्क आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, हो सकता है आपको ऑप्टिकल ड्राइव नहीं देना है या फिर हार्ड डिस्क नहीं देना है, जो चीज़ आप नहीं देंगे वो उससे टिक मार्क हटा लीजिए। उसके बाद आप एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, जैसे एडाप्टर नहीं देना है, अभी हार्ड डिस्क दे रहे हैं। तो ये कंफर्म करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको अभी इसमें क्या है, अदर कुछ सामान दे रहे हैं साथ में, कुछ ऐसे सामान है जो इस लिस्ट पे नहीं है, तो यहाँ पे आप अदर डालिए और इसमें आप उस सामान का नाम टाइप करके दे दीजिए। तो अभी अदर कुछ नहीं है मेरे पास, इतना ही डालना है, कंफर्म कर लेता हूँ। नेम दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, ऑफिस या होम सिलेक्ट किया है, एड्रेस दिया है, व्हाट्सएप वाला फ़ोन नंबर दिया है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, उसका डिटेल्स दिया है। अभी इस प्रोडक्ट का 2 पिक्चर लेना है, चूज कैमरा, 2 पिक्चर लेना है। एक तो क्या है, उसका पीछे से एक पिक्चर लेना है, एक पिक्चर पीछे उसका बैक साइड का लिया गया है, और दूसरा उसका टॉप साइड का लेना है। सेम उसी हिसाब से उसका भी टॉप साइड का ले लेते हैं। अभी इतने की जो हो गया, मेरा पूरा डिटेल्स दे दिया गया है, ये पूरा सर्वर में अभी आ जाएगा। अभी क्या करना है, अभी जाके यहाँ के जो दिखाया गया है सेम टू सेम यहाँ पे डालना है, जैसे 88502 ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए है। इतने तक डालने के बाद अभी सबमिट टिकट करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक टिकट नंबर क्रिएट होगा, वो टिकट नंबर आपको सेव करके रखना है, हो सके स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका मेल पे चला आएगा।